तो आपने कई बार क्लाउड कंप्यूटर के बारे में या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, या फिर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्लाउड कंप्यूटिंग होता है और ये काम कैसे करता है। और साथ ही साथ आपने ये भी कई बार सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप इंटरनेट शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी तेज स्पीड मिलती है, यानी कि आपको 5 या 6 Gbps तक की स्पीड मिल जाती है। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत ज्योति, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सभी लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक ऐसा डिवाइस या फिर एक ऐसा हार्डवेयर जो कहीं पर असेंबल किया गया है, या नहीं कि मान लो गूगल ने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग तैयार किया है, उसने अपने सर्वर के अंदर एक अलग आपके लिए हार्ड डिस्क स्टोर किया, यानी कि आप जैसे गूगल को क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पैसे देते हैं वे आपके लिए एक अलग हार्ड डिस्क अलॉट कर देते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर आप जितना चाहे उतना प्रोसेसर रैम अलग से ले सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर ये काम कैसे करती है। मान लो आपने जो इंटरनेट सर्व किया और जो आप दो कंप्यूटर को आपस में जैसे कि आप कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप और कई सारे टीम व्यू के टूल आते हैं, उनके जरिए आप दो कंप्यूटर को काम में लेते हैं, उसी प्रकार ये क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। आपको एक की दे दी जाती है जिसके जरिए आप उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया जाता है, या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस क्लाउड कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ते हैं, आप उस कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अपने मन मर्जी के हिसाब से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे Windows 7 XP या फिर Windows 10 या फिर Mac OS इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर काम कैसे करती है। मान लो आपने उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए, आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो कंप्यूटर उस डेटा सेंटर से ही जुड़ा हुआ है जो गूगल कंपनी के पास डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर की स्पीड तो आपको पता ही होगी, डेटा सेंटर की स्पीड डिपेंड करती है उसके अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क पर, उसकी जो केबल मैनेजमेंट है उस पर। मान लो एक हार्ड डिस्क की स्पीड है 5 Gbps, और जो डेटा सेंटर में लगी होती है हार्ड डिस्क वो होती है हाइब्रिड हाई हार्ड डिस्क लोड, यानी कि उन हार्ड डिस्क में आपको और ज़्यादा बेहतर स्पीड मिलती है, इसलिए आपको जो स्पीड होती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो आपको 5 से 6 Gbps तक की मिल जाती है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग काम लेते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जितना डेटा ऐसा गूगल डेटा सेंटर स्टोर होता है, और जब आप वहाँ से डेटा एक्सेस करते हैं तो उसको कहीं इतनी इन्फॉर्मेशन घुमानी नहीं पड़ती, सीधा वो डेटा सेंटर से कनेक्ट हो जाता है और आपको इतनी बेहतर स्पीड मिल जाती है। आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग काम कराता है। मान लो आपके पास कोई स्लो PC है, आप कोई हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई बड़ा ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वो छोटा PC इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता। मगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को काम में लेते हैं तो आपको उसमें उसके अंदर जितने भी इंस्टॉल हाई स्पीड प्रोसेसर, साथ ही साथ उसकी रैम हार्ड डिस्क आपको काफ़ी स्पीड मिल जाती है, और आप इंटरनेट को भी आसानी से सर्व कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आपको नुकसान क्या है। मान लो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो बिना कट किया हुआ वीडियो है वो पूरा आपको उस क्लाउड कंप्यूटिंग में अपलोड करना होगा। उसके बाद जो जब वहाँ पर वो अपलोडिंग पूरी हो जाएगी या फिर उसकी एडिटिंग कम्प्लीट हो जाएगी, तो आपको उसे वापस डाउनलोड करना होगा। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।